एंड हर लोग कंसिडर इट एज डैश अब जो ये क्वेश्चन है हमारा इसके ऑप्शन है ए ग्रोथ एंड बिहेवियर चेंजेस प्रोसेस फॉर मेच्योरिटी एंड ऑर्गेनिज्म बी ऑप्शन इज ग्रोथ एंड बिहेवियर चेंजेस ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटिंग टू मेच्योरिटी सी इज ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटेड टू मेच्योरिटी प्रोसेसिस फॉर मेच्योरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डी इज न अगर

बिहेवियर चेंजेस के बारे में बात की है जैसे इमोशंस में चेंजेस है ना उसके बारे में इन, इन्होंने बात की है ग्रोथ की की में ग्रोथ में फिजिकल चेंज भी हो सकता है और मेंटल चेंज भी हो सकता है ग्रोथ में फिजिकल और मेंटल दोनों की ही बात की है ठीक है नेक्स्ट इज अब जेई एंडरसन ने ये कहा है कि फिजिकल और मेंटल की ग्रोथ की बात इन्होंने बिहेवियर behavior और बिहेवियर चेंजेस और ग्रोथ की बात की है नेक्स्ट हरलॉक हरलॉक ने किस बारे में बात की है हरलॉक ने बात की है मैच्योरिटी के बारे में ठीक है उन्होंने बात की है ग्रोथ के बारे में उन्होंने चेंजेस के बारे में बात की है ठीक अब हमें ये बताना है कि हमारा आंसर क्या है तो हम देखेंगे कि फर्स्ट जो पार्ट होगा वो किसका होगा एंडरसन का और सेकंड पार्ट होगा हरलॉक का तो हम देखेंगे आंसर कौन सा है सो so,